ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा अबुद्दीन बाजार बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। आठवें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष स्कंद और अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा पोर्ट ब्लेयर के नया शहर में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति उद्यान में विवेकानंद केंद्र विद्यालय के छात्रों के लिए औषधीय पौधे भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पोर्ट ब्लेयर में बीकेबी की सचिव वर्षा बुजोनू द्वारा पोर्ट ब्लेयर के लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नया शहर के वनस्पति उद्यान में आयुष अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर सूर्यकांत सिंह ने सभा का स्वागत किया। छात्रों को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज चंदर छोलदारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर कीर्ति द्वारा विभिन्न पौधों की पहचान और औषधीय उपयोग की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पौधे लगाने का आग्रह किया। लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना गुप्ता, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर लालजीत सिंह, नया शहर स्थित वनस्पति उद्यान के सहायक कर्मचारियों ने आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सहयोग दिया। बीकेबी के 140 छात्रों की एक टीम ने संबंधित शिक्षकों के साथ भ्रमण में हिस्सा लिया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ ऐप तक अब सच देखेगा अंडमान।